सफल होगा दुआ की साधक मोहम्मद अबूबकर साहब हासिल करेंगे। लेकिन बेटे एक बात जो मैं फील कर रहा हूँ ना, जो इन बेटियों के पास और इन बेटों के पास गुजरने से जो मुझे फील हुआ वो आपके साथ बात शेयर करूँगा एक या दो मिनट में। कि कुछ बच्चे जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की, दूसरी पोजीशन हासिल की, तीसरी पोजीशन हासिल की, लेकिन कुछ बच्चे जो उनसे थोड़े से नंबर में पीछे रह गए, उनके चेहरों से ये महसूस हो रहा है कि उनके अंदर एक काश का लफ्ज़ जो है ना वो पैदा हो रहा है कि काश मैं ननिहाल ना जाती, 20 दिन मैं वहाँ ना रहती, तो आज ये आज़ाद मुझे मिलता कि वो फर्स्ट प्राइज मुझे मिलता। इधर बेटे बैठे हुए हैं और इनसे भी ऐसी मुझे फील हो रहा है, मेरा बहुत अच्छा बेटा सरफराज मुनव्वर, मैं महसूस करता हूँ कि उसके नंबरों में 100 नंबर की कमी रह गई है। क्यों? कि कुछ ना कुछ उसमें ना कमी रही, मेहनत में, कोशिश में, कुछ डेडिकेशन में कमी रही। इधर हमारे एक से एडिशनल डीसीओ असद तायर चप्पा साहब, उनको एक मरतबा हमने इधर गवर्नमेंट हाई स्कूल चाकमाला में चीफ गेस्ट बनाया, जैसे कि डीपीओ साहब तशरीफ लाए, तो एक मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस थी, उस पर वो चीफ गेस्ट थे। जब हम उनको दावत देने गए ना, तो उन्होंने एक छोटा सा वाक्य मेरे साथ शेयर किया। वो फरमाने लगे कि मेरे गांव के दो लड़के थे, इंतहाई ज़हीन, इंतहाई लायक, लेकिन इत्तेफाक है कि दोनों के वालदैन जो थे वो मौजूद नहीं थे, वो यतीम थे, लेकिन पढ़ने में लायक थे। गांव के एक फर्द को जिसको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया था, उसको रहम आ गया, वो दोनों को उठाकर लाहौर ले गया, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, जहाँ से ये डीपीओ साहब और तनवीर गोदल साहब तालीम हासिल करते रहे हैं, वहाँ उन्होंने उनको दाखिल करवाया। वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन करनी थी, तो ग्रेजुएशन के लिए उनकी जो रिहाइश थी वो माल रोड के ऊपर स्पोर्ट्स स्टेडियम के आगे थी। तो रोज़ाना वो वहाँ से आते और वहाँ कॉलेज में अपने पीरियड लेकर वापस चले जाते। दोनों मेहनत कर रहे थे, दोनों कोशिश कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक है कि एक दिन वहाँ सनती नुमाइश लगी हुई थी स्टेडियम में। तो एक जो साथी है ना, असद ताज जब्बा साहब कहते हैं, एक साथी जो है वो कहता है कि जनाब आज हमने सनती नुमाइश देखनी है, दूसरा कहता है कि नहीं हमारा टेस्ट होना है, हमने टेस्ट की तैयारी करनी है, सनती नुमाइश 7 दिन जारी रहेगी तो हम वहाँ फिर देख लेंगे। इत्तेफाक है कि 7वें दिन जब वहाँ से वो गुजर रहे थे ना, तो एक बेटा कहता है कि भाई आज मैंने तो सनती नुमाइश जरूर देखनी है, इसके बगैर मैं नहीं जा सकता। तो दूसरे ने कहा जनाब हमारा इम्तिहान करीब है, हमने तैयारी करनी है, तो आप आ जाए सनती नुमाइश फिर कभी देख लेंगे। लेकिन वो बस से उतर गया, वो बस से उतर गया, सनती नुमाइश देखकर घर चला गया। अब असल था जब हम फरमाते हैं कि दोनों बेटों ने में बहुत टैलेंट था, लेकिन एक जो था वो सीएसपी अफसर ऑफिसर बना, लेकिन दूसरा जो है ना वो बहुत कोशिश के बाद, तगड़ों के बाद वो स्टेट बैंक में एक छोटा सा अफसर बना। तो कहता फर्क ये लगा कि एक जो था वो कुछ लम्हात के लिए बस से उतर गया, उसने अपनी स्टडी को पीछे रख के सनती नुमाइश को तरजीह दी और वो जरा पीछे रह गया। तो इस तरह मेरे बेटों का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, इन बेटों का टाइम बहुत कीमती है। अगर ये पूरी तरह इस टाइम को मैनेज करें, और मुझे बिल्कुल इस बात पर वसूख है कि इन बेटियों में और इन बेटों में भी ऐसे अफराद मौजूद हैं, ऐसे बेटे मौजूद हैं जो बोर्ड की ट्रॉफी छीन सकते हैं, लेकिन कैसे, जैसे जिस तरह वो अपना हमा वक्त ओढ़ना और बिछोना अपनी किताबों को टाइम देंगे और अपना ओढ़ना बिछोना किताबें बनाएंगे। तो फिर तो बेटा ये लफ्ज काश जो है ना, इसकी जो है ना दुरुस्ती, इसके लिए आगे भी मौके हैं और इन बेटियों के लिए तो अभी बहुत भरपूर मौका है। तो जो कॉलेज में बेटे दाखिल हुए उनके लिए भी बहुत मौका है कि अल्लाह ताला वहाँ उनको कोशिश करके जो अपना काश वाला मामला है ना उसको दूर कर सकते हैं कि काश मैं ऐसा करता। तो आज अपने दिल में एक यहाँ बैठे बैठे अजम करें, मैं चाहूँगा किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन अपने दिल के साथ एक खुफिया वादा करें, एक खुफिया बात अपने दिल से कर लें कि आज के बाद मैंने दयानतदारी के
साथ अपनी पढ़ाई को टाइम देना है और इंशाल्लाह अजीज आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। अल्लाह ताला आप सबका العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا أسألك علما نافعا ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم عليك بالخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.